पंडित का बेटा हूँ, लेकिन लाठी चलाना जानता हूँ। दोस्तों आज हमारे साथ में हिंदुत्व की कास्ट मौजूद है। एक हिंदू खुद को हिंदू बोलता है घर से, तब साले तुम सबके बदन में आग क्यों लग जाती है? ट्रेलर जब आया तो हमने तो देखा, तो कैसा लगा आपको? पहले रेस्पॉन्स कैसे मिलने शुरू हुए जब? बहुत ही पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि काफी नेगेटिव रेस्पॉन्स आएगा, तो उम्मीद थी हमें ऐसी, और बट उम्मीद के परे हमें बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सराहनीय रेस्पॉन्स मिला। मतलब मैं सारा श्रेय करण सर को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे, बेहतरीन और इफेक्टिव डायलॉग्स लिखे हैं। ये एक पृष्ठभूमि बना देगा फिल्म की रिलीज, और बहुत अच्छी बन रही है पृष्ठभूमि जिस हिसाब से देख रहे हैं हम लोग। हर युग में धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हुई है। और क्या क्या है अंदर, राज छुपे हुए अंदर, ट्रेलर तो देखा हमने। तुम्हारे जीवन में तो महाभारत होनी ही थी। सब लोग मुझसे यही क्वेश्चन पूछे कि आगे और क्या है और राज क्या है, पर मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ना मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ चीजों को लेकर। तो मुझे को आशीष भाई और करण सब चुप करा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समीर सिद्दीकी का कैरेक्टर हमारी मूवी हिंदुत्व में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न लेके आता है, और अगर उसका कैरेक्टर रिवील हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें रिवील हो जाएगी। हिंदुत्व हमारी पहचान है और हिंदुत्व खतरे में है। इतने साल से आप इंडस्ट्री में है, थोड़ा सा अभी भी लगता है कि वो नर्वसनेस थोड़ी सी अंदर आती है कि हाँ यार उस दिन क्या होगा, या कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं मैंने तो काम अच्छा किया है, रिजल्ट भी अच्छा आएगा? ये दोनों मिक्स फीलिंग्स होते हैं, एंड आई थिंक जिस दिन नर्वसनेस होनी बंद हो जाएगी ना, उस दिन फिर बोरिया बिस्तर समेट के चले जाना चाहिए। हम ईगरनेस होती है ना कि ऑडियंस एक्सेप्टेंस, उनका रिएक्शन, वो चाहे जैसे रिएक्ट करें, तो उसकी नर्वसनेस होती है सबसे ज्यादा, और वो सबसे बड़ी खूबसूरत बात है। वो जो गुदगुदी होती है ना, वो बड़ी कमाल की होती है। हम लोग कन्विंस थे कि जो हमने लिखा है, जो करण सर ने लिखा है, वो बहुत ही मजबूत, बहुत फैक्चुअल और बहुत इफेक्टिव है, और सत्य है ना, तो सत्य इफेक्टिव ही होता है हमेशा। और जब उसको परफॉर्म भी किया तो वो कन्विक्शन भी वैसा ही था कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे हमें व्यक्तिगत तौर पर कोई प्रॉब्लम हो। सब चीजें एक्सेप्ट हो गई, यूएस सर्टिफिकेट है हमारे पास विदाउट एनी कट्स, और मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा तो सेंसर को लेके फॉर दिस टाइम। जब लोगों से मिलते हैं तो उनके अपने ओपिनियन होते हैं, तो वो किस तरीके से मिक्स मैच करके रिएक्शन आप तक पहुंच रहे? समीर के कैरेक्टर के लिए तो मुझे काफी ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि यार मूवी देखने के बाद देखो तू पिट ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो ऐसे मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है जो बहुत ओपन माइंडेड से देखते हैं। आई एम श्योर थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है बिकॉज हमने टॉपिक ही बहुत, यानी आज के टाइम पे टॉपिक कॉन्ट्रोवर्शियल है, पर ऑन अ होल मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। क्या कोई दूसरा हिंदू देश है जहां हम जाके रह सके? जो लोग देख रहे हैं हम लोगों को, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि 7 तारीख को जब फिल्म रिलीज हो तो क्या एक्सपेक्टेशन लेकर के आए? वो बिल्कुल खुले दिल से इसका फिल्म का स्वागत करें, और ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों यारों के साथ, या अपने रिश्तेदारों के साथ, या अपने जो भी समाज में जिनके साथ उठते बैठते हैं उनके साथ ये फिल्म को देखें, और उनको भी प्रोत्साहित करें कि ये फिल्म को देखना चाहिए और हिंदुत्व को एक अलग एंगल से समझना चाहिए जी। ये एडेप्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आनी चाहिए हिंदुत्व के लिए, जो एक्सेप्टेबिलिटी आज सिस्टम में नहीं है, ये कम है। आज हिंदुत्व के थ्रू एक चैप्टर 1 की शुरुआत हुई है, अगर इससे ही सीखने का मौका मिल रहा है तो इससे सीख के आगे बढ़िए, ना कि कोई नेगेटिव सोच के साथ। बिल्कुल मत देखिए इस फिल्म को। मेरा तो कहना यह है ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए ऐसे विषयों को, और ऐसे विषयों पे ज्यादा से ज्यादा फिल्में बननी चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, और हमारी तरफ से भी बहुत सारी बधाइयां हैं और शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस हैं आपकी फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच।